अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कभी कभी दिल इतना दुखता है ना भोलेनाथ कि सांस अटक जाती है हमारी, पर फिर ना हम आपके बारे में सोचते हैं तो हिम्मत बढ़ती है। हम जानते हैं एक न एक दिन आप सब कुछ ठीक कर देंगे। यहाँ पे तुम यहाँ पे छुप जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी, ठीक है? पागल बबली गुड़िया से खेल रही है, हम भी खेल लें। आप लोग कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। पहचान बनाने ही तो आए हैं। चल गुड़िया इधर दे। नहीं 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 इधर। ये मेरी ढोल है। चल। मेरी गुड़िया मैं नहीं दूंगी। छोड़ गुड़िया इधर। कौन है? कहा भैया? कहे लड़की को परेशान कर रहे हो बे? कहे? जबरदस्ती का हीरो कहे बन रहे हो? बेटा तुम्हारा जो सर है ना वो बहुत हवा में उड़ रहा है, अब उसे जमीन पर तो लाना ही पड़ेगा, है ना? बबली तुम ठीक हो? हम पे भरोसा करो, हम जानते हैं कि तुम पागल नहीं हो। करो बे, माफी मांगो। सॉरी बबली दीदी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भागो यहाँ से, दूर जाओ हमसे, भागो। देखा, तुम्हारे लिए उन्हें मार के भगा दिया हमने, अब कोई नहीं बोलेगा तुम्हें पागल। लेकिन तुम भी तो हमें पागल ही कहते हो। अरे हम पागल थोड़ी ना बोलते हैं, हम तो पगली बोलते हैं, वो भी प्यार से। हैं? अरे तुम बहुत समझदार हो, हम जानते हैं, हो ना? हाँ, वो तो हम हैं, हमें तो सब कुछ पता रहता है। तो बताओ पारो क्या कर रही है अंदर? भाभी हमारा मतलब है कि हम पारो को पहले से जानते हैं ना, और अम्मा परेशान हो रही है घर पे, तो हमारे लिए पता लगा दोगी कि पारो का कर रही है अंदर? ठीक है। जा, जा, जा। बबली तुम्हें जरिया बनाकर पारो को हम अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। अरे भाभी के कमरे में तो भैया जा रहे हैं, बता देती हूँ। नहीं पारो, अब और नहीं। वो भाभी तो भैया के साथ है। शहरी शंकर की शादी ज्योति से हुई है, लेकिन चिपका हमारी पारों से रहता है। हमारा एक काम करोगी बबली? काम? हाँ, अगर तुम मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दोगे तो करूंगी। हम देंगे ना, और चॉकलेट देंगे। और बबली, अरे हमें तो कोई बुला रहा है, जब तुम बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आओगे ना तब कर दूंगी, ठीक है? बाय। अरे अभी तो बात बबली, अब इस पागल का इस्तेमाल कर ही हमें अंदर की खबर निकालनी पड़ेगी। अब सिर्फ यही रास्ता बचा है। क्यों क्यों नहीं, शादी हुई है हमारी, फिर हम सिंदूर क्यों नहीं लगा सकते शंकर? चीख चीख के पूरे घर में बात फैला दो ना। कितनी बार बोला है कि मुझे कुछ याद नहीं, और जब याद ही नहीं तो कहे की शादी? और क्या सबूत है ऐसा कुछ हुआ भी है? मेरी शराफत का फायदा मत उठा पा रहा।
फायदा, हम उठाएं आपका फायदा? तो क्या फायदा उठाएं हम आपका? हम ये इस कमरे में रहते हैं वो फायदा कि अब बहुरानी होने के बावजूद इस घर में नौकरानी बन के रह रहे हैं वो फायदा? हाँ बोलिए ना शंकर, क्या फायदा उठाए हैं हम आपका? और रही बात सबूत की, तो ये जो हमारी मांग में सिंदूर है ना, यही सबसे बड़ा सबूत है। और अगर आपको कुछ याद नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो सच नहीं है। ज्योति जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है शंकर, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम आपकी पहली पत्नी हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक वैसे ही जैसे ये सिंदूर हमारी मांग में हमेशा सजा रहेगा। सिंदूर हट जाना चाहिए, समझे तुम? पर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्या? हमारी किस्मत साथ में भोलेनाथ ने लिखी, काश कि आप समझ पाते। ये सब बकवास है, समझने की जरूरत तुम्हें है। सिंदूर हट जाना चाहिए। उसी पल का तो इंतजार है मुझे जब तुम्हारी मांग से सिंदूर मिट जाएगा और फिर मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगी। लो भाई, सजावट का सारा सामान भी आ गया, फूल भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। अब बताओ तोहरी कोनो खास पसंद है का, या हम खुद ही अपने हिसाब से सजा लें तोरा सुहागरात का कमरा? पारो ने अपना सिंदूर हटा दिया, अब मैं उस पर वार कर सकती।